भाई एपिक ने फाइनली एक अच्छी गेम दे दी है जिसको देख के मैं बहुत खुश हूँ। खेलूंगा तो मैं हालांकि इस गेम को भी नहीं, बट भाई सच्ची में बहुत अच्छी गेम है। और भाई परसों क्रिसमस है और आने वाली है एपिक की सबसे तगड़ी गेम, इसलिए आज उनको रोस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इस टाइम उनसे पंगा लेना ठीक नहीं रहेगा। सो गाइज हमें मिल चुकी है आर्ट ऑफ रैली एज फोर्थ मिस्ट्री गेम, और कल के क्लू का कलर और इस गेम के थीम का कलर एग्जैक्टली मैच करता है, इसलिए उन्होंने हमें ये गेम चिपका दी। हालांकि ये भी एक मोबाइल गेम है और उससे पिछली वाली गेम भी मोबाइल गेम थी, बट भाई ये मेलवर आइडल से तो लाख गुना अच्छी गेम है, तो सह लेंगे थोड़ा। बाय द वे अगर ये गेम DNF डुअल की जगह आई हुई होती एज अ सेकंड मिस्ट्री गेम तो ये गेम बहुत बेकार लगती, बट भाई अभी जो हमने पिछली दो बेकार गेमें देखी है ना उसके बाद तो ये गेम बहुत अच्छी लग रही है। और भाई आज फिर गेम लीक हो गई थी 1 घंटे पहले ट्विटर पे ही, तो मैं श्योर हो चुका हूँ कि ये बिली बिली ना एपिक का एक बंदा है जो हाइप बनाने के लिए 1 घंटे पहले ना गेम्स लीक कर देता है। तो भाई ये आर्ट ऑफ रैली ना एक तरीके की ड्राइविंग गेम है, मतलब इसमें तुम्हें रेसिंग नहीं करनी, बस ड्राइव करना है, इधर से उधर घूमो, एक्सप्लोर करो, ड्राइव करो, मजे करो। और भाई इस गेम का यूजर इंटरफेस ना बहुत सिंपलिस्टिक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड गेम का बैकग्राउंड म्यूजिक भाई बड़ा कैची है, तुम्हें सुन के मजा आ जाएगा। जो गेम के साउंड ट्रैक्स है ना तुम्हें बिल्कुल भी बोर नहीं होने देंगे। इस गेम का ना एक तरीके का ओपन वर्ल्ड मैप है, तुम्हें क्या करना है बस गाड़ी चलानी है, अलग अलग चीजें ढूंढनी है, जैसे कैसेट्स हो गई, लेटर्स हो गए। जब तुम चीजें ढूंढ लोगे तो लेवल पार हो जाएगा, तुम्हें नई गाड़ी भी मिल सकती है। उतना मैंने खेला नहीं, तो भाई तुम अपनी गाड़ी की कलेक्शन बना सकते हो, नई नई गाड़ी मिल सकती है, नए नए लेवल मिल सकते हैं और बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को, मतलब टाइम पास के लिए तो एकदम परफेक्ट गेम है। और भाई अगर तुम्हारे पास वो स्टेयरिंग व्हील हो गेमिंग वाला तो भाई तुम्हें खेलने में बहुत मजा आएगा। इसमें ना अलग अलग गेम मोड्स भी है, जैसे टाइम अटैक हो गया, डेली इवेंट्स हो गए, बस मल्टीप्लेयर नहीं है। और यार थोड़े और कैमरा एंगल्स होते तो गेम खेलने में और मजा आता, बट क्या पता इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए और इस गेम को बनाने वाला स्टूडियो ये सारे फीचर्स ऐड कर दे तो भाई इस गेम में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो भाई इस गेम का फाइनल रिव्यू ये है कि भाई ये गेम काफी अच्छी है टाइम पास के लिए, पिछली दो गेम से तो मुझे बहुत ज्यादा तगड़ी गेम लगी। तो भाई इस गेम को डाउनलोड करके एक बार जरूर ट्राई करना। और अब चलते हैं अपनी प्रेडिक्शंस पे। तो भाई देखो सारी गेम्स ना मैचिंग कलर पे आ रही है, मतलब जो क्लू का कलर होगा वही गेम के थीम का कलर होगा, तो भाई इस बार का क्लू भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो इस बार के क्लू का कलर है ब्लैक, मतलब कोई हॉरर गेम आ सकती है, हॉरर गेम जैसे कि आउटलास्ट 1 और 2 आ सकती है, क्योंकि भाई इस गेम के थीम का कलर ना एकदम क्लू के कलर के साथ मैच करता है। और एपिक ने अभी तक एक भी हॉरर गेम नहीं दी है, तो क्या पता वो ये वाली हॉरर गेम दे दें। बट ये गेम ना सेल पे चल रही है एंड इसका प्राइस ऑलरेडी लो है, मतलब 60-70 पे इसका प्राइस चल रहा है, तो भाई इस गेम के आने के चांसेस हैं बट कम है। तो भाई सेकंड गेम जो बहुत लोगों को लग रहा है आ सकती है वो है क्वेक 1 और 2 का बंडल, मतलब दो गेमें ना एक साथ आ सकती है। ऐसा लोगों को इसलिए लग रहा है क्योंकि भाई जो बेथेस्टा स्टूडियो है जिसने क्वेक 1 और 2 बनाई है उनके लोगों में ना एक स्क्वायर वाला सिंबल है और सेम सिंबल ना क्लू में भी है, तो लोगों को लग रहा है भाई क्वेक 1 और 2 तो पक्का आएगी। और भाई एक और बात है कि वो जो ट्विटर वाला लीकर नहीं है बिल्ली बिल्ली, तो उसने पहले ही बता दिया था कि क्वेक 1 और 2 का बंडल आने वाला है। बट भाई अब ये गेम ना दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी रिलीज हो चुकी है, तो भाई पूरा बंडल आने के चांसेस तो कम लग रहे हैं, तो या तो क्वेक 1 आएगी या क्वेक 2 आएगी। और भाई जहां तक मैंने सुना है काफी अच्छी गेम है, और अगर इसमें हमने मॉड्स वगैरह भी लगा दिए तो भाई ये तो गेम बहुत ही तगड़ी बन जाएगी। सो लेट्स होप यही वाली गेम आए। एक और गेम है जिसका नाम है डस्कर्स, वो भी आ सकती है, क्योंकि एक तो इस गेम के थीम का कलर एग्जैक्टली मैच कर रहा है क्लू के कलर के साथ, एंड ऑल्सो इस गेम में ना बड़ी सारी स्क्वायर शेप है जो क्लू के सिंबल्स के साथ भी मैच करती है, एंड ये गेम ना सेल पे भी नहीं है तो इस गेम के आने के भी चांसेस है। ऑल्सो जैसा कि तुमने देखा होगा कि क्लू ना इस बार पिक्सेलेटेड है, मतलब कोई पिक्सेलेटेड गेम भी आ सकती है, जैसे कि रिटर्न। ये ना एक इंडी गेम है जो थोड़े टाइम पहले रिलीज हुई है, तो क्या पता प्रमोट करने के लिए एपिक हमें ये वाली गेम चिपका दे। सो भाई मेरा फाइनल गेस होगा कि आज ना आर्ट ऑफ रैली से भी अच्छी गेम आएगी, क्योंकि भाई परसों क्रिसमस है और मेरे को नहीं लगता एपिक अब कोई रिस्क लेगा। और भाई अगर एक गेम गेस करनी हो तो मेरा गेस होगा क्वेक का बंडल आ सकता है, क्योंकि भाई इस गेम के थीम का कलर ना एकदम क्लू के कलर के साथ मैच करता है। और भाई ट्विटर पे भी ये गेम लीक हो चुकी है, ऑल्दो इसका कोई प्रूफ मिला नहीं, बट हाँ भाई लीक हो चुकी है तो मेरे हिसाब से गेम आ सकती है। और भाई जो भी हम गेम सोचते हैं ना उसकी उल्टी वाली गेम आ जाती है, जो हमने कभी सोची भी ना हो, तो भाई इस वाली गेम को भी ना कोई गेस नहीं कर पाया था कल वाली वीडियो में। बट स्टिल तुम्हें क्या लगता है आज कौन सी वाली गेम आने वाली है मुझे कमेंट करके बताओ, और तुम्हारा गेस सही हुआ तो कल वाली वीडियो में मैं तुम्हें शाउट आउट दे दूंगा एज ऑलवेज। तो आज के लिए इतना ही, ऐसी फ्री गेम से रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो, डिस्कॉर्ड पे हो तो मेरे सर्वर पे आ जाओ। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रेडिक्शन के साथ, बाय।